जो ब्रेन बूस्टर 9 था उसमें था कि आपके पेरेंट्स के पास 6 बच्चे हैं इंक्लूडिंग यू, मतलब टोटल कितने हो गए 8 लोग हो गए। ईच सन हैज वन सिस्टर, हर एक की वन सिस्टर है, मतलब टोटल कितने हो गए 9। हाउ मेनी पीपल आर इन द फैमिली, तो इसका आंसर 9 था। हर एक सन की एक ही सिस्टर है तो एक सिस्टर होने वाली सभी के लिए यूनिक ही है, तो इसलिए इसका आंसर 9 था। इसका आंसर सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह जी जो बठिंडा से बिलोंग करते हैं उन्होंने ही दिया था। यहाँ पर बता देने वाली बात यह है कि पिछला जो ब्रेन बूस्टर था उसी का आंसर भी इन्होंने ही पहले दिया था, तो काफी शात्र माइंड के लगते हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक चलती है आपकी ये पावर। अब नेक्स्ट बूस्टर देखिएगा, नेक्स्ट ब्रेन बूस्टर है व्हाट 4 लेटर वर्ड कैन बी रिटन फॉरवर्ड बैकवर्ड और अपसाइड डाउन एंड कैन स्टिल रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई 4 वर्ड का कुछ मुझे ऐसा वर्ड बता दीजिए को आप चाहे ऊपर से पढ़ लो, चाहे नीचे से पढ़ लो, चाहे लेफ्ट से पढ़ लो, राइट से पढ़ लो, उनके लेटर को इधर उधर कर लो, कुछ भी कर लो, वो चेंज होने वाले नहीं है। चाहे उनको आगे से लिख लो, चाहे उनको पीछे से लिख लो, चाहे उनको अपवर्ड साइड से लिख लो, चाहे डाउनवर्ड साइड से लिख लो, वो वर्ड वही का वही रहने वाला है। तो दिमाग लगाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।